साइंस हमारे आसपास हो रही हर प्रक्रिया को समझने में हमारी मदद करता है। साइंटिस्ट तो ये भी मानते हैं कि दुनिया में हो रही ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके पीछे साइंस न जुड़ी हो। साइंस की मदद से अनगिनत आविष्कारों ने हमारे आसपास हो रही हर घटना का कारण देकर मनुष्य की जिंदगी को पहले से ज्यादा बेहतर बना दिया है। जहां पहले टेक्नोलॉजी इतने विकसित नहीं हुए थे, वहीं आज 21वीं सदी में साइंस और टेक्नोलॉजी इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हमारे सांस लेने से लेकर दूसरे प्लैनेट पर जाने तक बड़ी ही आसानी से हो सकती है, और वो भी विद द फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। लेकिन 21वीं सदी में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी आज भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको मानना अविश्वसनीय होगा, जिसे साइंटिस्ट तक ना तो समझ पाए हैं और ना ही दुनिया को एक्सप्लेन कर पाए हैं। जैसे क्या भूत प्रेत सच में होते हैं, या फिर पिरामिड बनाने में क्या सच में एलियन का हाथ है, मार्स पर क्या सच में एलियन रहते हैं, या फिर हवा में उड़ते उड़ते प्लेन अचानक कहाँ गायब हो गई थी, या फिर बर्म्यूडा ट्रायंगल के पीछे का आखिर क्या राज है जो वहाँ जाने वाले को गायब कर देता है। क्या हम इन सभी चीजों के पीछे का असली रीजन जान पाएंगे, इसके बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिलहाल हम इस वीडियो में कुछ इसी तरह के फिनोमिना, इंसिडेंट और मिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं जिसको साइंटिस्ट अभी तक ना तो समझ पाए हैं और ना ही दुनिया को एक्सप्लेन कर पाए हैं। दवा पैदा होता है तो इसके पीछे का कारण आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन साइंस भी आज तक इसका जवाब तलाशने में नाकाम रही है। इसके पीछे बहुत सी थियोरीज भी दी गई, लेकिन अंत में जाकर सभी थियोरीज गलत साबित हुई। कुछ डॉक्टर ने दावा किया कि इसके पीछे का कारण जेनेटिक है, लेकिन डॉक्टर का यह दावा भी गलत साबित हुआ क्योंकि बाहर से आकर इस गांव में बसने वाले पति पत्नी को भी जुड़वा बच्चे पैदा हुए। कुछ साइंटिस्ट ने फिर कहा कि इसके पीछे का कारण यहां का पानी है, लेकिन यहां के पानी से अगर बच्चों के जन्म पर कोई फर्क पड़ता तो आसपास के गांव में जहां सेम वाटर सप्लाई होता है वहां भी इसी तरह जुड़वा बच्चे पैदा होते। साइंस की ये जिज्ञासा कब खत्म होगी, क्या हमें कभी इसके पीछे का रहस्य पता चल पाएगा, यह कोई नहीं बता पाया है। मलेशियन प्लेन फ्लाइट MH370। मलेशियन एयरलाइन की प्लेन MH370 मार्च 2014 को टेक ऑफ करने के बाद हवा में अचानक गायब हो गई थी। उसके बाद आज तक इसका कोई अवशेष नहीं मिला है। आखिर क्या हुआ था इस विमान के साथ, आधुनिक तकनीकों का सहारा लेकर भी एक्सपर्ट इस प्लेन को नहीं ढूंढ पाए हैं। कई लोग इस घटना को 21वीं सदी की सबसे बड़ी रहस्यमयी घटनाओं में से एक मानते हैं, जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। उस रात 12:42 पर उड़ा 227 यात्रियों से भरा यह प्लेन मलेशियन MH370 आखिर कहां गायब हो गया। अगर प्लेन क्रैश हुआ था तो इसका मलबा आज तक क्यों नहीं मिला है। लाखों डॉलर्स, हजारों आदमी, 26 से भी ज्यादा देशों के संसाधन का प्रयोग करने के बावजूद भी लगातार 3 सालों तक खोज करने के बाद आखिर जनवरी 2017 में इस केस को बंद कर दिया गया। MH370 और उसमें बैठे 227 यात्रियों का क्या हुआ, या तो कोई नहीं बता पाया है। इसके पीछे बहुत सी थियोरीज भी दी गई। वैज्ञानिकों का तो यह भी मानना है कि यह विमान ब्लैक होल में जा चुका है, लेकिन इसके पीछे का सत्य 5 साल बाद भी कोई नहीं जान पाया है। क्या हुआ होगा उन यात्रियों का, क्या इसके पीछे प्लेन के पायलट की कोई इन्वॉल्वमेंट थी, या फिर इसके पीछे आतंकवादियों का हाथ था, आज तक की यह सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली मिस्ट्री बनी हुई है। एनिमल रेन सुनते ही लगता है जैसे आसमान से पानी की बूंदों की जगह जानवर बरस रहे हों। दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जहां बारिश होने पर केवल पानी ही नहीं बरसा बल्कि कुछ और भी बरसा है, और ऐसी वर्षा होने के पीछे का कारण कोई भी पता नहीं कर पाया है। सुनने में ये बात थोड़ी सोच में डाल देने वाली लगती है, लेकिन ऐसी बहुत सी विचित्र घटनाएं हैं जहां आसमान से पानी की बूंदों की जगह जानवर बरसे हैं। सन 1894 बाथ इंग्लैंड, जेलीफिश की बरसात। सन 1974 एलबरी ऑस्ट्रेलिया, स्पाइडर यानी कि मकड़ियों की बरसात। 2011 कोबो पोलोनियो रागवे में मेढक बरसे थे, और हाल ही में 2017 में जफाना श्रीलंका में मकड़ियों की बरसात हुई थी। साइंटिस्ट का मानना है कि इस रेन के पीछे वाटर स्प्राउट, टोर्नेडो या फिर स्ट्रॉम हो सकते हैं जो कि किसी भी प्रकार या किसी भी साइज के सामान को आसमान में ले जाने में सक्षम है। परंतु इस थियरी के पीछे एक चीज का जवाब कोई नहीं दे पाया है कि एनिमल रेन के दौरान सिर्फ एक ही तरह के जानवर क्यों बरसते हैं। डीप होल ऑन मार्स, हमारी धरती का पड़ोसी ग्रह मार्स, जिस पर नासा जीवन की संभावना और पानी के वजूद के लिए सालों से लगा हुआ है। इसी तलाश की वजह से वहां नासा 3 रोबोट भी भेज चुका है, जिसमें सबसे लेटेस्ट रोबोट है क्यूरियोसिटी रोवर। इस रोवर का काम है वहां की मिट्टी और वीरान लैंडस्केप के बारे में जानकारी एकत्रित करना। इसके साथ ही मार्स की परिक्रमा करता है MRO यानी के मार्स रिकॉनसेंस ऑर्बिटर, और MRO के हाई राइज कैमरे ने मार्स की कुछ तस्वीरें ली थी। इन तस्वीरों को ठीक से एनालाइज करने के बाद मार्स पर एक बहुत बड़ा छेद पाया गया। देखने में यह ऐसा लगता है मानो किसी मशीन की मदद से इसे खोदा गया हो। इस छेद के बारे में 2001 तक खुद नासा के एस्ट्रोनॉमर्स भी संदिग्ध थे। एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि यह छेद 100 मीटर के डायमीटर में फैला हुआ है, और इसके अंदर जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ड्राई आइस पाई गई है, जिसने एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट को बहुत चक्का कर दिया है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का मानना है कि मार्स का एनवायरनमेंट बेहद खराब होने की वजह से वहां रहने वाले एलियन मार्स की सतह पर यानी कि जमीन के अंदर रहते हैं, और ऐसे ही वह कई और छेदों की मदद से बाहर आते
आते जाते रहते हैं। क्या सच में मार्स की जमीन पर कोई रह रहा है? अगर नहीं तो अचानक 2001 में ऐसा क्या हुआ कि वहाँ इतना बड़ा छेद बन गया? सुपर नेचुरल और अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, भूत प्रेत, इंसानों के खून पीने वाले वम्पायर्स, जायंट्स या ज़ॉम्बीज, या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको साइंटिस्ट दुनिया को पूरी तरह ना तो प्रूफ कर पाए हैं और ना ही डिसअप्रूव, यानी कि साइंस के हिसाब से यह सभी चीजें नहीं होती। वहीं साइंस इनको पूरी तरह नकार भी नहीं पाया है। ऐसी बहुत सी इंसिडेंट है जिसे खुद साइंटिस्ट के लिए भी झुटलाना असंभव रहा है, जैसे आर लेडी ऑफ अकीटा नामक स्टैचू, जापान में स्थित वर्जिन मैरी की एक स्टैचू है जो कि 6 सालों में 101 बार रोती हुई पाई गई है। सुनने में यह बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन साइंटिस्ट खुद इसके पीछे का असली रीजन नहीं जान पाए हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है यह जानने के लिए जब इस स्टैचू पर रिसर्च की गई, तब इसमें से निकलने वाले आंसू को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टेस्ट के लिए भेजा गया कि यह आंसू हूबहू इंसानी आंखों से निकलने वाले आंसुओं से मेल खाते हैं। जापान के लोगों का मानना है कि इस स्टैचू में आत्मा का वास है या फिर यह खुद वर्जिन मैरी मदर ऑफ जीसस है। आप में से कई लोगों को यह एक छलावा या फिर झूठ लगेगा, कुछ लोगों को यह सच लगेगा। चाहे जो भी हो, इसके पीछे का रहस्य एक पहेली बनकर रह गई है। सुपरस्टिशन को साइंस हमेशा अपने फैक्ट्स और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन से मुंह तोड़ जवाब देता हुआ आया है। इंस्टीट्यूशन, सिक्स सेंस और ज्योतिर्विज्ञान जैसी चीजों में यूं तो कुछ लोग विश्वास करते हैं और काफी लोगों का मानना है कि उन्होंने ऐसी चीजों को एक्सपीरियंस भी किया है, लेकिन साइंस ऐसी चीजों पर अंधा विश्वास करने की जगह फैक्ट्स पर ज्यादा विश्वास करना पसंद करती है। हॉन्टेड जगहें, स्ट्रेंज फोर्सेस और क्रिप्टेड एनिमल जैसी चीजों को साइंस ना तो झुठला पाया है और ना ही इन चीजों के पीछे का कारण ढूंढ पाया है। जिन्होंने ऐसी चीजें देखी हैं वह यह दावा करते हैं कि चीजें होती हैं। साइंस आज तक इन चीजों को एक्सप्लेन करने में नाकाम रहा है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दें ताकि हम जब भी अपनी अगली वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।